बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लबाजाद चैनल की जानिब से आपको मुदस्सर हुसैन खुश आमदेद कहता है। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू जो है वो एक वायरस जो जिसने दुनिया में एक खौफ और हरास की सिचुएशन क्रिएट कर दी है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल हैं मोहतरमा डॉक्टर गजाला काजी साहिबा और उनके साथ शामिल हैं मोहतरम डॉक्टर फकीर मीर साहब। मैं सबसे पहले डॉक्टर गजाला काजी साहिबा के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि पहले हमें ये बताइए कि ये वायरस है क्या चीज। ये कोरोना वायरस जो है वो एक फैमिली ऑफ वायरसेस हैं। असल में ये है कि ये हमेशा से काफी ये जो जुकाम बहुत सारे किस्म के जुकाम होते हैं, हम लोग सब एक जुकाम को एक जुकाम कह देते हैं, लेकिन वो जुकाम मुख्तलिफ वायरसेस की वजह से होता है। तो उनमें से काफी सारे ऐसे वायरसेस हैं जिनको हम कोरोना वायरस कहते हैं। बेसिकली कोरोना वायरस इसकी शेप की वजह से कहते हैं कि वो क्राउन से इसके बने हुए होते हैं। आपने देखे होंगे जब भी वो उसकी तस्वीर लगाते हैं तो वो स्पाइक से क्राउन से होते हैं, इस वजह से इसका नाम कोरोना वायरस है। तो जो इससे पहले ये जो छोटे मोटे जुकाम हो जाते थे वो भी कोरोना वायरस की फैमिलीज की वजह से होते थे। ज्यादातर ये जो वायरसेस हैं ये एनिमल्स में, बैट्स में, बैट चमगादड़ और या एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं और ये ह्यूमंस को क्रॉस यूजुअली नहीं करते, लेकिन कभी कभार ये म्यूटेट हो जाते हैं। म्यूटेट से मुराद ये है कि चेंज हो जाते हैं थोड़े से, जिसकी वजह से ये इंसान को भी अटैक कर देते हैं। तो ये इस वायरस ये पहले भी ऐसे हो चुका है, मसलन बाज दफा घोड़ों से हो जाता था, एक दफा हुआ है, और बास फ्लू की किस्म ऐसी हो जाती है कि एनिमल से और या बर्ड फ्लू याद होगा आपको, उससे क्रॉस करके तो एनिमल्स में आ जाता है। तो ये इस वायरस के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये क्रॉस करके तो इंसानों में आके तो इन्फेक्ट करने लग गया। अब उसके मुश्किल सबसे बड़ी इस वायरस की ये है कि चूंकि एक ये नया वायरस है, इसके खिलाफ हमारे पास वैक्सीन नहीं है और हमारी बॉडीज जो है, इंसान की जो बॉडीज है वो अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है, इसको काउंटर अटैक करने के लिए। बॉडी की एक रेजिस्टेंस होती है ना, जब भी कोई जर्म आपके ऊपर अटैक करता है तो बॉडी रेजिस्ट करके उस जर्म को, उस वायरस को खत्म करती है। उसका रिस्पांस एंटीबॉडीज की सूरत में आता है। एंटीबॉडीज होती हैं कि वो इंसान या तो वैक्सीन से बनती है या कोई इंफेक्शन हो जाए तो बॉडी उसके खिलाफ बनाती है और फिर वो वायरस को अटैक करके और वो खत्म कर देती है। अभी तक जो है वो हमारे पास वैक्सीन नहीं है और ये वायरस चूंकि इसकी बिल्कुल शुरू है, हमारे पास दवाई भी नहीं है। इसकी एंटीवायरल दवाई जो एंटीबायोटिक है ये उसका वो इस पर इफेक्ट नहीं करेगी। एंटीबायोटिक्स जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए होती है। एंटीवायरल की बड़ी सख्त जरूरत है जो कि अभी तक एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे हैं। डॉक्टर तौकीर, अभी गजाला काजी बता रही थी कि इम्यून सिस्टम बेसिकली इससे अफेक्ट होता है और जो ज्यादा कंसर्न है बेसिकली वो ओल्ड एज लोगों के ऊपर है। जो सिवियर सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट 19% लोगों में सिवियर सिम्टम्स होते हैं और रिकमेंडेशन उन्हीं की है कि वही लोग हॉस्पिटल में आए। जो जनरली जो इन्फेक्शन का इदारा है अमेरिका के अंदर CDC, वो डिस्करेज कर रहा है उन लोगों को जिनके माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स हैं कि वो हस्पतालों के अंदर आए। उन्होंने रिकमेंडेशन ये दी है कि जिन लोगों को माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स हों वो अपने प्रोवाइडर को कॉल करें और उनको इन्फॉर्म करें। हस्पताल में सिर्फ वो लोग आए और उन्होंने ऐसा इस वजह से रिकमेंड किया है ताकि दूसरे लोग इन्फेक्ट ना हो, क्योंकि अस्पतालों में अमूमी तौर पर बीमार लोग या माजूर लोग या बड़ी उम्र के लोग होते हैं और जिनका इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफियत कम होती है। तो अस्पताल में उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि वो आए जिनको सांस में दुश्वारी हो रही हो, छाती तेज चल रही हो और होंठ उनके नीले पड़ जाए या उनको कोई ऐसी बीमारी हो या उनकी उम्र 60 से ज्यादा हो या उनको फेफड़ों की बीमारी हो या उनको हार्ट की बीमारी हो, वो अस्पताल में आए। जो COVID-19 का जो वायरस है उसका नाम SARS-CoV-2 रखा गया है। COVID-19 बीमारी है, बीमारी का नाम है कोरोना वायरस डिजीज 2019
और इसका वायरस जो जो इसका कॉज करवाता है उसका नाम है सार्स कोव 2। डॉक्टर्स जितने भी मेडिकल स्टाफ है वो सारा का सारा वल्नरेबल है और उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? क्या हर आने वाला बंदा उसको आप टेस्टिंग के लिए भेजेंगे? नहीं, उसमें सीडीसी ये रिकमेंड कर रही है, यहाँ पे अमेरिका का जो इंफेक्शन का इदारा है वो रिकमेंड कर रहा है कि जो लोग जिनमें जिनको सांस की बीमारी या जिनकी छाती तेज ना चल रही हो या जिनकी ऑक्सीजन कम ना हो या जिनके होंठ नीले ना पड़ जाएं, वो अस्पताल आने से ताकि वो दूसरों तक इन्फेक्शन ना पहुंचा सके। जो लोग अस्पताल में आए जिनको सांस की बीमारी हो वो पहले जैसे ही उनमें सिम्टम्स डेवलप हों वो अपने प्रोवाइडर को कॉल करें और जब उनके सिम्टम्स सिवियर हों तो वो इमरजेंसी को कॉल करें। जो जो मरीज जिनके सिम्टम्स की नौइयत ज्यादा मुजर ना हो, कई दफा ऐसा हो रहा है कि वो इनकरेज कर रहे हैं जिस तरह कोरिया में हुआ है कि आप टेक्स्ट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप नर्सों को टेक्स्ट करें ताकि वो आपके आने से पहले अस्पताल के अंदर एक आइसोलेशन रूम सेटअप कर सके। या कई दफा ऐसा हुआ है कि जिन जिन मरीजों के सिम्टम्स इतने सिवियर नहीं थे उन्होंने उनको इनकरेज किया है कि आप गाड़ी के अंदर ही रहें ताकि जब आप अस्पताल के अंदर आएंगे और दूसरे मरीजों के साथ बैठेंगे तो आपके सिम्टम्स दूसरों तक मुंतकिल भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनके जिनको सांस की सिवियर बीमारी नहीं है या वो हाई रिस्क नहीं है, मतलब ये कि जिनकी उम्र 60 से कम है, फेफड़ों का मसला नहीं है, दिल का मसला नहीं है या गुर्दों का मसला नहीं है या वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो अस्पताल आने से इज्तनाब करें। लेकिन अगर अस्पताल आए तो वो कोशिश करें कि वो अगर वेटिंग रूम में आए तो वो दूसरों से कम 6 फुट दूर बैठें, क्योंकि 6 फुट का जो फासला है वो एक एक आर्बिट्री सा नंबर है कि एक प्रेजम्पशन ये है कि 6 फुट के फासले तक आपकी जरासीम मुंतकिल नहीं हो सकते, लेकिन ये कोई कन्फर्म नंबर नहीं है, एक आर्बिट्री नंबर है। और लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप आने से पहले अस्पताल को इन्फॉर्म कर दें ताकि वो एक आइसोलेशन रूम आपके लिए तैयार कर दे, जब आप अस्पताल पहुंचें तो वो आपको उस आइसोलेशन रूम में ले जाएं जिसका दरवाज़ा बंद होगा। अस्पताल पहुंचते साथ ही आपके मुंह के ऊपर मास्क चढ़ा दिया जाएगा ताकि आप की खांसी से या आपका बलगम से दूसरे लोग इन्फेक्ट ना हो सके। टेस्टिंग जो है वो उन केसेस में रिकमेंडेड, 3 केसेस में रिकमेंडेड है। मैंने आपसे जो पहले बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट इंडिकेशन ये है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज हो गए हैं और आप किसी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पे और आप पे सस्पेक्शन है, आपको नज़ला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है और डॉक्टर्स ये समझते हैं कि आपको आप शायद इस वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं, तो ऑल हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हु आर सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग दिस डिजीज शुड बी टेस्टेड। ये नंबर 1 इंडिकेशन है। नंबर 2 इंडिकेशन ये है कि वो हाई रिस्क मरीज जो मैंने आपको बताया था, वो मरीज जिनकी उम्र 60 से ज्यादा हो या जिनको फेफड़ों की, गुर्दों की या हार्ट के पेशेंट्स हों या वो प्रेग्नेंट हों, उनके अंदर, क्योंकि उनके अंदर मौत के चांसेस ज्यादा होते हैं आम मरीजों की निस्बत, उनके अंदर टेस्टिंग इंडिकेटेड है। और तीसरी इंडिकेशन ऐसी सूरत में है कि जब आप एक्सपोज हुए हों किसी ऐसे शख्स से जिसको कन्फर्म्ड ये वायरस डायग्नोज हुआ हो, और इसके साथ ऐसे मरीज जिनको सिम्टम्स हों और जिनमें ट्रैवल की हिस्ट्री हो, जिन्होंने चाइना तक चाइना ट्रैवल किया हो या मोर रिसेंटली यूरोप ट्रैवल किया हो या साउथ कोरिया ट्रैवल किया हो या ईरान ट्रैवल किया हो और इन सम केसेस वो कह रहे हैं कि जापान में ट्रैवल किया हो, ऐसे मरीज जिनमें सिम्टम्स भी हों और ट्रैवल की हिस्ट्री हो, उनमें भी इंडिकेशन है टेस्टिंग की। अच्छा डॉक्टर गजाला, मैं आपके पास आऊँगा। अभी तौकीर ने बताया कि वो लोग जो माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम वाले हैं वो तो अभी हॉस्पिटल नहीं आए, लेकिन उनको वो जो कैरी कर रहे हैं उस जो वायरस है, और वो ना सिर्फ कैरी कर रहे हैं बल्कि वो ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, और उसका चूंकि एक वायरस का एक अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड है जो कि कहा जाता है 14 डेज का है,
उन लोगों को कैसे हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे? एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि जितने लोगों को आप टेस्ट कर सकें उतना ज्यादा अच्छा है। उसकी वजह ये होती है, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग हैं जिनको बिल्कुल मामूली से सिम्टम होते हैं, वो खास सिम्टम नहीं है, थोड़ी बहुत खांसी आ रही है तो, लेकिन ये कि वो अंदर से शायद पॉजिटिव हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम ए सिम्टोमेटिक कहते हैं, वो उनको कोई सिम्टम नहीं होता लेकिन वो उनको ये लग चुकी होती है कि किसी और को कोई बीमार होता है तो उसकी वजह से वो पॉजिटिव होते हैं। बाज दफा वो भी फैला सकते हैं दूसरों को। तो इससे इसके लिए वो ये चाहते हैं कि जितने ज्यादा लोग हम टेस्ट कर सकें उतना ज्यादा बेहतर है। लेकिन इस वक्त जो है अमेरिका में बहुत ज्यादा लोग टेस्ट नहीं हो रहे, एक तो टेस्ट किट्स मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन आपने ये देखा है कि वहां पे इटली में और चाइना में उन्होंने 180,000 लोगों को टेस्ट किया, बहुत ज्यादा लोगों को टेस्ट किया। यही वजह थी कि वो देवर एबल टू कंटेन इट, मतलब ये कि उन्होंने इस एपिडेमिक को, उसको कहते हैं ना, देखें वो आप एक ग्राफ जब बनाएंगे ना तो एपिडेमिक, कोई भी एपिडेमिक होगी वो उसमें ऊपर जाएगा ग्राफ, बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे जो इन्फेक्टेड होंगे। वो फिर जब उसको कहते हैं हमने फ्लैटन करना है इस कर्व को, यानी कि उसको हमने नीचे लेके आना है, तो वो नीचे लेके इसी तरह आएंगे कि हम जितने ज्यादा लोगों को टेस्ट करेंगे उनको आप आइसोलेट कर देंगे, घरों में रहें, बाहर ना जाएं, इन्फेक्ट ना करें, उतनी तेजी से जो है ना ये ग्राफ फ्लैटन होगा, यानी कि नीचे जाएंगे केसेस और ये कंटेन हो जाएगी डिजीज। अच्छा, मेरा सवाल है डॉक्टर, मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाह रहा था। आपने देखा यहाँ पे अमेरिका में बहुत सारे लोगों को टेस्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि वो कहते हैं कि ना तो हॉस्पिटल्स की इतनी कैपेसिटी है ना लेबोरेटरीज की इतनी कैपेसिटी है। मुझे ये बताइए कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान कह लें, तो उसमें अगर खुदा ना खासा इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो वहां पे ये कैसे टेस्टिंग हो सकेगी? फिर मेरे ख्याल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दे रही है, यहाँ अमरीका में भी अब तो वो बहुत ज्यादा टेस्ट जो है, अब तो ये इस वक्त तो ये हाल है, मुझे तोकीर को ज्यादा पता होगा हॉस्पिटल्स का क्योंकि आई डोंट वर्क इन द हॉस्पिटल, मैं आउट पेशेंट में काम करती हूँ। तो वो जो टेस्ट किट्स अब तो टेस्ट बहुत जल्दी से डेवलप कर रहे हैं ताकि जितनी जल्दी से रिजल्ट आ जाए तो बेहतर है। अब ये करते हैं कि वो स्वाब लेते हैं, नेजल स्वाब, नाक में डालते हैं क्यू टिप की तरह की एक चीज, तो वो स्वाब लेके भेज देते हैं, मेल कर देते हैं किसी और लैब को, अगर कोई बड़ी लैब है हॉस्पिटल की तो उसमें भेजते हैं, तो उसको 2-3 दिन लग जाते हैं। ये कोई इफेक्टिव वे नहीं है टेस्ट करने का। अब वो बड़ी तेजी से डेवलप कर रहे हैं कि ऐसी किट हो जो उसी वक्त स्वाब करें, पता चल जाए कि भाई ये पॉजिटिव है, इसको कोरोना वायरस है या नहीं है, तो जब वो डेवलप हो जाएगी तो वो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है ना, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, मसलन पाकिस्तान, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना है, चाइना बिल्कुल बॉर्डर पे है, दे कैन हेल्प, चाइना उसकी हेल्प कर रहा है, इटली की हेल्प कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि अमरीका में अनफॉर्चुनेटली रिस्पॉन्स इतनी तेजी से नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था, तो लेकिन अब ये डेवलप कर रहे हैं और बहुत जल्दी इनकी कैपेसिटी हो जाएगी कि जितने ज्यादा लोगों को वो टेस्ट करें वो कर लेंगे। तो कीर, आपने देखा बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो चुका है इस वायरस के हवाले से, तो क्यों इतनी ज्यादा अचानक परेशानी हो गई और बहुत जल्दी हुई है? देखें, शायद इस वजह से कि यहाँ पे परसेंट पॉपुलेशन जो 60 से अबव है वो हाई है, इनकी अमेरिका में या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो अबव 60 के ब्रैकेट में काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं इनके, तो इनके हाई रिस्क पेशेंट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान की नस्बत, यहाँ पे नस्बतन यंग पॉपुलेशन है, और ये लोग इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी डेज भी देखते हैं, लॉस ऑफ फाइनेंशियल लॉस भी देखते हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट ऐसी किसी भी पेंडेमिक का या एपिडेमिक का फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो सारे परस्पेक्टिव देख, अब जापान, जिस तरह जापान में काफ़ी जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है, सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है, बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। हाँ, सिमिलर इज द केस इन यूरोप, स्पेशली जर्मनी वगैरह में, तो काफी जो 60 और अबव के लोग हैं
ये तो 60 अबव 60 जो मोर्टेलिटी है इस वायरस की वो 3.6% है, लेकिन अबव 80 इयर्स ऑफ एज ये रीचेस ऑलमोस्ट 15%। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी जो फार्मेसीज हैं या बाकी जो इस तरह की शॉप्स हैं जिसमें मुख्तलिफ अद्वायात जो हैं वो मिलती हैं, वहां पे मास्क गायब हो गए हैं। ये मास्क का क्या इफेक्ट होगा? क्या हर किसी को मास्क पहनना चाहिए और कौन से किस किस्म के मास्क पहनने चाहिए? सर्जिकल है वो, एक N95 मास्क है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस हवाले से? मैं करूं तो जी 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 डॉक्टर गुजारा आप बताएं। मास्क जो है, देखिए एक होता है मास्क, एक होता है रेस्पिरेटर। मास्क जो है ना वो सर्जिकल मास्क जो है वो आप नाक पे जो आपने देखा है बहुत सारे लोग बांध के जाते हैं, इट्स गुड फॉर बलगम वगैरह उसके ऊपर आ जाए, अंदर बलगम ना जाए। लेकिन वायरसेस को जो है वो फिर भी पेनिट्रेट हो सकते हैं, बलगम वगैरह आपको रोक सकता है, दैट इज ऑल्सो समवट इफेक्ट, थोड़ा बहुत उसका असर है कि भाई बहुत बलगम आप बड़ी मिकदार में नहीं जा रहा। लेकिन जो असल चीज है वो N95 रेस्पिरेटर है जो कि वायरसेस को रोकता है। वायरसेस बहुत छोटी उनका साइज होता है और ये जो रेस्पिरेटर है ये इस काबिल होता है कि वो छोटे साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो भी अंदर ना जाएं। ये मसलन जैसे हम पेंट करते हैं तो पेंटिंग के लिए हमने N95 रेस्पिरेटर यूज करना होता है, लेकिन उसकी एक बात है कि उसके लिए फिट टेस्टिंग जरूरी होती है, हर एक के मुंह के ऊपर फिट करना जरूरी है ताकि वो इतना टाइट हो कि उसके अंदर से मसलन नीचे से ना जा सके, इधर से ना जा सके। हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान में ये मास्क, ये जो N95 रेस्पिरेटर है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबी लंबी दाढ़ियां रखी हुई, वो दाढ़ियां जब आप इतनी लंबी लंबी रखते हैं तो वो फिट नहीं होता रेस्पिरेटर। वो जो N95 रेस्पिरेटर, क्योंकि वो फिट टेस्टिंग के लिए आपके फेशियल जो हेयर है ना, जो मुंह के ये जो फेस के हेयर है वो कम होने चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तब ये जाके कहीं फिट होता है। तो मेरा, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में N95 रेस्पिरेटर जो है वो फिट टेस्टिंग कोई करता भी है या नहीं करता। अगर वो आप वैसे ही पहन रहे हैं कि भाई हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए तो वो तो ठीक है, लेकिन जब तक आप उसको फिट टेस्ट नहीं करके पहनेंगे और मुंह के ऊपर वो फिट नहीं होगा वो उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा ये जो सर्जिकल मास्क जो यूजुअली मिलता है N95, तो स्पेसिफिक जगह पे मिलेगा, हॉस्पिटल्स में मिलेगा या कहीं और? लेकिन ये जो नहीं, हर जगह पे मिल जाता है N95, मैंने तो अपने उसके लिए भी लिया हुआ था, अगर आपने कोई स्प्रे करना है साफ करने के लिए के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, ये होम डिपो वगैरह में मिल जाता है बड़ी आसानी से। अच्छा, तो लेकिन जो सर्जिकल मास्क है वो हर किसी को पहनने की जरूरत नहीं है। वो सर्जिकल मास्क बल्कि जो पहनते हैं वो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो आप हाथ लगाते हैं सर्जिकल मास्क को, फिर वो आप उसके ऊपर फर्ज करें कि वो सारा बलगम किसी का गिरा हुआ है, ड्रॉपलेट्स गिरे हुए हैं, वो आप मुंह पे ऊपर हाथ लगाएंगे, उसको कोई फायदा नहीं है। बल्कि सर्जिकल मास्क जो है वो जर्म का वो जखीरा सा बन जाता है, तो बेहतर यही है कि सर्जिकल मास्क पहन के अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप ये इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, आपको डर लगा हुआ है, तो आप सर्जिकल मास्क ना पहने। उसके और तरीके हैं इसको रोकने के, वो इस तरह है कि आप डिस्टेंस रखें अगर पॉसिबल, अगर आप मुमकिन है, बसों में आप जा रहे हैं फिर तो डिस्टेंस रखना बहुत मुश्किल है, मतलब फासला रखना जरूरी है दूसरे लोगों से, तो बसों में आप जाएंगे तो वो तो फासला नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें कि बहुत करीब ना बैठें, फिर टच हाथ हैंड शेक ना करें, बल्कि वो आजकल तो नमस्ते वाला निकला हुआ है सारे कर रहे हैं, तो वो मतलब कि किसी और तरीके से दूसरे को ग्रीट करें, हाथ ना मिलाएं, टच ना करें। फिर हाथ धोने जितने ज्यादा जरूरी है साबुन से हाथ धोएं, जरूरी नहीं है कि एंटीबैक्टीरियल सोप, उसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ साबुन से आप वॉश करें, हाथ धोना, पानी डाल के उसको वॉश कर दें, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। वो कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास वो अल्कोहल के वो चीजें नहीं है, जिससे वो सैनिटाइजर नहीं है, अगर नहीं है सैनिटाइजर ना हो, आप हाथ धोएं साबुन से, सबसे अच्छा तरीका उसको ताकि आप इससे पहले कि मुंह को आप हाथ लगाएं, नाक को हाथ लगाएं,
वो जिसकी वजह से वायरस आप सीधा डायरेक्टली अपने हाथ से नाक और मुंह की तरफ लेके जाते हैं, वो सीधा अंदर इनाकुलेट हो जाता है। उसको बचाने के लिए मुंह पे हाथ ना लगाएं अपने, जितना ज्यादा कोशिश करें ना लगे, और हाथ धोएं बार बार बाहर से, खास तौर पे जब बाहर से वापस आए तो हाथ धोने बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल आइसोलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका मतलब ये है कि बड़ी बड़ी गैदरिंग है उधर ना जाएं। आजकल तो वैसे उन्होंने शादियां कैंसिल कर दी हैं और ग्रुप जो मतलब स्पोर्ट्स कैंसिल हो रही हैं, और बड़ी अच्छी बात है ताकि कुछ कंटेन हो और इसको कुछ टाइम मिले इस वायरस को, ताकि कोई जो पॉपुलेशन है उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। हम लोगों को खौफ भी बहुत ज्यादा हो गया है कि भाई ये अब परमानेंट तो नहीं है ये चीज, ये हमेशा के लिए तो नहीं है, नहीं हमेशा के लिए नहीं है ये, जिसको हम कह रहे थे ना कि वो जो ऊपर जाता है कर्व फ्लैटन होगा वो हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन जितनी जल्दी ये इसको आप अपने आप को बचाएं ताकि आप इस वक्त इसमें और जिसको कहते हैं फ्यूल न डालें एपिडेमिक, कम केसेस हो उसकी वजह ये, जैसे आप तोकीर डॉक्टर तोकीर ने बताया कि भाई हॉस्पिटल में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने ज्यादा मरीज एकदम इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो उनके पास इतने वो नहीं है, हॉस्पिटल बेड्स नहीं होंगे, आईसीयू में बेड्स इतने ज्यादा नहीं है, तो इसलिए बेहतर है कम से कम लोग बीमार हों ज्यादा अच्छा है, और खास तौर पे जिनके जिनको डायबिटीज है, जो 60 साल से ऊपर के हैं, वैसे 60 साल से ऊपर के तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन जो थोड़े बहुत बीमार भी हैं तो उनको बेहतर है कि वो बाहर ज्यादा ना निकलें, तो फिलहाल ये कोशिश करके तो इसको कम किया जा सकता है इसके असरात को फिलहाल। मेरा एक सवाल था, सॉरी, बहुत अच्छा आपने बताया डॉक्टर गजाल, आपने प्रिवेंशन में ये जो हमें बताया, मैं डॉक्टर तौकीर आपके पास क्विकली जाऊंगा, मेरे तीन बहुत क्विक क्वेश्चन है। नंबर वन, मुझे ये बताइए कि इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है, कितने अरसे तक इसका लाइफ स्पैन है। दूसरा, मुझे ये बताइए कि क्या इसका मौसमी असरात पे कुछ असर पड़ सकता है कि हम गर्म मौसम में या सर्द मौसम में। और तीसरा, जब एक बंदा अफेक्ट हो जाता है तो और उसके बाद उस लाइफ स्पैन उसका खत्म हो गया वायरस का, तो दोबारा उसको ये प्रॉब्लम दोबारा फेस हो सकती है। अच्छा, पहला आपका क्वेश्चन ये था कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो रिपोर्टेड है लिटरेचर के अंदर वो 2 से 14 दिन की रेंज बताई गई है इसके अंदर। और आपका सेकंड क्वेश्चन ये था कि वेदर, अच्छा वेदर, जितना मैंने पढ़ा है, आप डॉक्टर गजाला से भी चेक कर ले, जितना मैंने पढ़ा है वेदर का एसएच इंफेक्शन के ऊपर कोई असर नहीं है। अगर डॉक्टर के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन हो, एक्स्ट्रा कोई लिटरेचर हो, लेकिन जो मेरी नजर से गुजरा है उसमें मैंने कोई वेदर का इफेक्ट नहीं देखा इसके ऊपर। और तीसरा क्वेश्चन आपका था, अगर एक दफा किसी को ये वायरस जो है वो उस अपना लाइफ स्पैन से गुजर गया, दोबारा वो कितना वल्नरेबल है? देखिये, अगर स्पेसिफिक वही स्ट्रेन जो है, जो कि ये इस वायरस का नाम है SARS-CoV-2, अगर ये दोबारा यही स्ट्रेन उस बंदे के ऊपर हमला करेगा, तो आपकी कुव्वत मुदाफ़त, आपके एंटीबॉडी डेवलप हो गई हैं उसी वायरस के खिलाफ। लेकिन ये वायरसेस, ये जो नज़ला और जुकाम वाले और फ्लू, राइनो वायरसेस, कोरोना वायरस, ये जाने जाते हैं, ये अपने आप को बहुत तेजी से तब्दील करते हैं, तो ये हर साल इनके नए जो है नए स्ट्रेन जो है वो मार्केट में आ जाते हैं। तो बॉडी अगर आपके ऊपर एक ऐसा नया कोरोना वायरस अटैक करे जिसके अंदर कुछ चीजें कॉमन हो इस वायरस के दरमियान, तो आपके पास थोड़ी बहुत कुव्वत मुदाफियत होगी इस पुराने वायरस की वजह से। लेकिन अगर नया वायरस बिल्कुल नया हो और उसके उसके जीन्स बिल्कुल डिफरेंट हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन हम दोबारा फेस कर रहे हों। अच्छा डॉक्टर गजाला, ये बहुत ही लोगों में आई गेस थोड़ा सा इलम नहीं होगा या शायद इंफॉर्मेशन की कमी है, क्योंकि हम सबके पास इस वक्त प्राइमरी डेटा नहीं है, सेकेंडरी डेटा पर बहुत सारी चीजें रिलाई हो रही है। वेदर लोग यही कह रहे हैं कि चूंकि गर्म इलाकों में
ये अभी तक इसने इतना पेनिट्रेट नहीं किया. तो और मिसालें भी दी जाती हैं जैसे साउथ अमेरिका की या जो गल्फ के एरियाज हैं जो बहुत गर्म है, तो वहां पे अभी तक हमें इतना ज्यादा उसकी पेनिट्रेशन नजर नहीं आई. तो आप कहिए कि ये नहीं है इसका वेदर से कोई रिलेशनशिप. अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि हमें बहुत सारी बातों का पता नहीं है. जैसे आपने कहा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है. फिलहाल जो इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आ रही है वो चाइना से आ रही है, क्योंकि उन्होंने ये काफी ये एपिडेमिक को गुजारा है, वो उन्होंने काफी इस पे काबू भी पाया है. सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में काफी केसेस मिले हैं. ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त 80 डिग्री वेदर है, तो और ऑस्ट्रेलिया गर्म मुल्क की तरफ, गर्म मौसम की तरफ जा रहा है. वहां भी है, ईरान में भी गर्मी है इतनी ज्यादा. तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये गर्मी सर्दी से गर्मी आ जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा. ये कॉन्सेप्ट फिलहाल हमें सही नजर नहीं आ रहा कि जिस वक्त हम जब देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी ये जा रहा है, काफी ज्यादा केसेस मिले हैं और फैल रहा है, और ईरान में भी फैला है. तो ये कोई वजह होगी कि मुझे नहीं पता. कि मैंने अभी उनको जो मिडिल ईस्टर्न के बाकी कंट्रीज हैं उनको मैंने स्टडी नहीं किया कि उनके ऊपर क्यों नहीं, वहां पे इतना ज्यादा स्प्रेड क्यों नहीं हुआ, इसका नहीं पता. लेकिन ईरान भी तो उस बॉर्डर पे है, पता नहीं शायद ईरान. तो इसलिए ये बात जो है वो सही नहीं है फिलहाल. हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में डेटा आए, हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, तो ये बात सही गलत निकल आए. लेकिन इस वक्त जो लग यही रहा है ये मौसम की बात नहीं है. अच्छा, तो मुझे चूंकि हम अब जा रहे हैं प्रोग्राम वाइंड अप करने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा क्विकली बताएं. वैसे तो डॉक्टर गजाला आपने काफी हद तक हमें प्रिवेंटिव मेजर्स बताए, लेकिन मैं चाहूंगा डॉक्टर तोकीर, चूंकि आप हॉस्पिटल में हैं, तो हॉस्पिटल में उस हवाले से देखिए जिसमें पेशेंट आ जाते हैं और फिर बहुत सारे पेशेंट नहीं आते, उन उनके हवाले से हमें बताइए कि हम क्या और फर्दर प्रिवेंटिव मेजर कर सकते हैं जिससे इसको हम रोक सकें या इसको मिनिमाइज कर सकें इसका इम्पैक्ट. देखिए, जिस पेशेंट को इन्फेक्शन इन्फेक्शन हुआ हो या आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि इसके अंदर ये इसको ये उसके सिम्टम्स डेवलप हो रहे हो, खांसी हो रही हो, बुखार हो रहा हो या सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, कोशिश करें कि अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो ये आप हॉस्पिटल कॉल करें और उनको कोशिश करें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाएं. अगर सांस की बीमारी या छाती तेज नहीं चल रही तो कोशिश करें घर पे ही बुखार और जुकाम का इलाज करें और कोशिश करें कि कांटेक्ट उनका बाहर की दुनिया से कम रखें. नंबर वन. नंबर टू, जिस मरीज को उसमें ये मर्ज की अलामत जाहिर हों उनको कोशिश करें कि वो मास्क पहने, सर्जिकल मास्क. सर्जिकल मास्क हम इसलिए कहते हैं जो बंदा इन्फेक्टेड होता है ताकि उसका बलगम, क्योंकि ये बलगम से फैलता है, बलगम स्प्रे होता है हवा के अंदर और उसका एक जिस तरह परफ्यूम की बोतल स्प्रे करते हैं हवा के अंदर तो उसके फाइन पार्टिकल्स हवा में होते हैं, इसी तरह जब बंदे खांसते हैं तो आपके हवा के अंदर फाइन पार्टिकल्स जाते हैं और वही जरासीम जो है दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं. तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो जो जिस 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 मरीज के अंदर ये अलामत हों वो सर्जिकल मास्क पहने. जिनको जिनमें अलामत नहीं है और वो N95 उनके लिए प्रेफर्ड है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका में भी उसकी शॉर्टेज है. लेकिन ये याद रखें कि अगर आपके पास मास्क नहीं है, पाकिस्तान में मैंने कई दफा देखा है कि लोगों ने सर्जिकल मास्क पहने हैं, ये आंखों के जरिए भी इन्फेक्ट हो सकता है. तो जरूरी नहीं कि अगर आपने मास्क सर्जिकल मास्क पहना है तो अगर आपकी आंखें एक्सपोज है तो वही जो पार्टिकल्स जो किसी मरीज से जो आ रहे हैं वो आपकी आंखों के अंदर भी इन्फेक्शन कॉज कर, आंखों के थ्रू भी इन्फेक्शन कॉज करवा सकते हैं. तो और जनरली जो इस तरह के मरीज रेस्पिरेटरी आइसोलेशन में होते हैं, उनका दरवाजा बंद होता है ताकि उनके सांस के जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर ना आ सकें, फिर वो जहां पे भी जाते हैं आप उनको डिसइंफेक्ट करते हैं. अस्पताल के प्रोसीजर्स होते हैं कि वो अगर सीटी स्कैन में गए हैं या एक्सरे की मशीन में गए हैं तो वो वहां पे उनके जो बुखारात या उनके जरासीम वाले या बलगम के पार्टिकल्स रह गए हैं वो वहां पे अस्पताल की पॉलिसी होती है कि वहां पे वो सफाई करें.
कई दफा जो आजकल हम देखने में आ रहा है, कई अस्पतालों ने ऐसे मरीजों के लिए डेडिकेटेड यूनिट बना दिए हैं कि जहाँ पे 5 और 6 मरीज एक ही इसी तरह के वो एक ही यूनिट के अंदर रह सकें, ताकि वो मर्ज जो है वो एक ही जगह रहे और दूसरे मरीजों तक ना फैले। डॉक्टर गजाला, आपने हमें काफी हद तक तो प्रिवेंशन के हवाले से बताया, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम बिल्कुल वाइंड अप मोड में जा रहे हैं, तो अगर आप कुछ आखिरी इंफॉर्मेशन दे दें ताकि फिर हम प्रोग्राम को वाइंड अप कर सकें। बस आखिरी इंफॉर्मेशन, सबसे जो जरूरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तानियों के लिए वो ये है कि अगर आपको कोई खांसी आ रही है, बुखार है, तो बेहतर ये है कि आप इधर उधर फिरने के बजाय घर में ही बैठे रहें, अगर ताकि ये कम से कम 2 हफ्ते के लिए आप ज्यादा जो है वो इधर उधर ना जाएं, स्प्रेड ना करें। अगर टेस्टिंग वहाँ पे मयसर है तो अपने आप को टेस्ट करवा के, और जैसे डॉक्टर तौकीर ने बताया है कि अगर आपको बहुत ज्यादा कोई सांस की इतनी तकलीफ हो रही है, सांस नहीं लिया जा रहा आपसे, तो उस वक्त सिर्फ अस्पताल जाएं, लेकिन घर में रहें। वो सर्जिकल मास्क है वो मिलता है, वो पहन लें ताकि आपके जो बलगम है वो दूसरों तक ना पहुंचे, लेकिन सर्जिकल मास्क सिर्फ वो ही पहने जो कि खांस रहा है। दूसरे लोग जो हैं वो आसपास के जिनको कोई खांस नहीं रहे, जो जिनको कोरोना वायरस नहीं है, अगर वो समझ रहे हैं कि वो पहन के वो सेफ हो जाएंगे, कि उनको खतरा नहीं है, तो बल्कि उनको ज्यादा खतरा है, उनको नहीं पहनने चाहिए, सिर्फ उसको पहनने चाहिए जो मरीज है। तो और हाथ बार बार धोएं, उनको कमरे में आइसोलेट कर दें, अगर कोई अलहदा कमरा है उनके लिए तो उसको उनको अलहदा कमरे में रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके करीब ना आ सकें। और बहुत ज्यादा सोशल गैदरिंग, बसों में जाना, जरा बसों में जाना, शादियों पर जाना, पार्टियों में जाना, इधर उधर बाजारों में बहुत ज्यादा करीब लोगों के जरा ना हो, तो इसी तरीके से इसको कंटेन किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान में इतने ज्यादा केसेस नहीं है, कुछ केसेस हुए आए थे, ईरान से आए थे कुछ, और शायद सऊदी अरब से हुए, एक दो आए होंगे, मुझे इतना इल्म नहीं है पाकिस्तान के बारे में। क्योंकि अगर ये फैल गई पाकिस्तान में एकदम, तो हमारे तो पास तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, ये काफी बड़ी एपिडेमिक है, अगर पाकिस्तान में ये फैल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको संभालना। ये बहुत अजीब बात है कि बच्चों को, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं ना, जो 1 साल के या इन्फेंट भी हैं, उनको भी कोई ये तकलीफ नहीं दे रही। तो यूजुअली अमूमन ये होता है कि जो फ्लू है या कोई दूसरी बीमारियां हैं वो बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करती हैं, बहुत बच्चे जो होते हैं उनको, ये बहुत बूढ़ों को, लेकिन ये बूढ़ों को तो कर रहे हैं, बच्चों को नहीं कर रहे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गजाला, और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तौकीर, आप लोगों का टाइम बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही लब आजाद से मुदस्सर हुसैन को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।